वेस्ट बंगाल के लिए भी है भाई साहब, हर जगह के लिए है। मैं सेंट्रल सेंट्रल एक देखिए, दो चीज समझिए, दो चीज आप समझिए, एक होता है स्टेट और एक होता है सेंट्रल। स्टेट होता है हर राज्य का अलग अलग, जैसे यूपी का अलग होगा, दिल्ली का अलग है, झारखंड अलग है, उत्तराखंड अलग है, गुजरात अलग है, महाराष्ट्र अलग है, तो ये स्टेट्स हो गए। और एक होता है सेंट्रल, तो जो सेंट्रल की जो स्कीम्स हैं वो पूरे देश के लिए हैं। तो आप ये समझिए कि आप कौन से प्रोजेक्ट पे वर्क करेंगे, आप सेंट्रल गवर्नमेंट को टारगेट कर रहे हैं, स्टेट गवर्नमेंट को टारगेट कर रहे हैं। स्टेट गवर्नमेंट को टारगेट करेंगे तो सिर्फ जो स्कीम्स जिस स्टेट में चालू हैं वो उसी स्टेट में मिल पाएंगी। अब यूपी में जो रहते हैं तो यूपी में जो योगी जी की सरकार है वो यहां की मिलेगी। अब यहां की जितनी स्कीम्स हैं उसकी मैंने वेबसाइट आप लोग को दे रखी है, नहीं दे रखी? पूरी स्कीम मैंने दे रखी है आप लोगों को, जो यूपी वाले हैं, यूपी में जितनी स्कीम है, मैं एक सेकंड रुकिए, मैं अभी दिखा रहा हूं उसको, है ना। यूपी वाले में आपको पूरा का पूरा सारी स्कीम्स आपको मिल जाएंगी, उस पे जाके आप सारी। तो आज जो मैंने अभी बात की है ये सब मैं, हाँ उड़ीसा के लिए भी बहुत कुछ है। देखिए फिर वही चीज समझिए भाई, समझिए पहले, एक है स्टेट और एक है सेंट्रल। तो अगर आप सेंट्रल पे फोकस करते हैं तो आप देश के किसी भी कोने में रहते हो वो स्कीम आपके लिए है, ठीक है। अगर आप पर्टिकुलर किसी स्टेट में हैं तो आपको स्टेट गवर्नमेंट की वेबसाइट पे चेक करना होगा कि यहाँ पर प्रेजेंट टाइम में कौन कौन सी स्कीम्स चल रही हैं। तो आप दोनों पे फोकस करना चाहें, दोनों पे फोकस कर सकते हैं। आप मुझे बताइए कि आप किस स्टेट से हैं, मुझे व्हाट्सअप कीजिए कि मैं इस स्टेट से हूं, तो उस स्टेट की जो वेबसाइट है, उस स्टेट की जितनी स्कीम्स हैं वो मैं आपको दे दूंगा, ठीक है। वहां से आप अपना सिलेक्ट करिए कौन सा करना है, क्या करना है, ठीक है। तो आप जब वहां से सिलेक्ट कर लेंगे कि हमको इस स्कीम, फिर आप उस स्कीम में मुझसे जो हेल्प चाहिए, जो भी चीज है वो आप मुझसे लीजिए कि इसको कैसे अप्लाई करना है, कैसे इसकी फाइल बनेगी, कैसे इसके प्रपोजल बनेगा, कैसे प्रोजेक्ट तैयार किया जाएगा, कैसे सबमिट करना है फाइल, कैसे आप उसको, हाँ बिहार है तो बिहार के लिए अलग है, नए पुराने से कोई मैटर नहीं है। आपसे मैंने पहले भी कहा है, आपकी सिर्फ मैटर करती है वो होती है अप्रोच। अप्रोच समझते हैं ना, अप्रोच का मतलब है हिंदी में बोले तो जूता, आपका जूता कैसा है, मजबूत है कि हल्का है, मतलब जोर से काम होगा, बिना जोर के काम नहीं होगा। आप जाएंगे आपको लोग घुमा देंगे, टहला देंगे और भाई साहब आप घूमते रहेंगे और चले आएंगे, पहले नंबर पे बोल देंगे कुछ है ही नहीं। और उसके देखिए मैंने आपसे, हाँ सिडबी पर भी ले लीजिए एक मीटिंग, हाँ सिडबी पे लेंगे। सिडबी की मैंने वेबसाइट तो दी है, सबको दे दी है, वेबसाइट भी दी है, उसका पूरा लिंक दिया है, और उसकी 15 तारीख लास्ट डेट है, आज 5 हो गई, 10 दिन बचे हैं। सिडबी पे 20 लाख रुपए का है, यानी 25 लाख का प्रोजेक्ट। तो सिडबी वाला जो है वो तो कोई भी अप्लाई कर सकता है, उसको तो कोई भी अप्लाई करे, है ना। सिडबी वाला जिनको नहीं मिल पाया है वो ले लिया करें। देखिए एक्चुअली ऐसा है, मेरे पास रहता है बहुत सारी चीजें, मेरी बहुत सारी सुबह से शाम तक बहुत सारी क्लासेस रहती हैं, तो मीटिंग बहुत सारी रहती हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन भी रहती है। अब कल से जो फिजिकल मेरी मीटिंग लग रही है, पुलिस की ट्रेनिंग लगी हुई है, वो लगेगी 10-12-15 दिन, तो मैं भूल जाता हूँ बहुत कुछ, मतलब भूलता नहीं हूँ, मतलब माइंड इतना, हाँ न्यू एनजीओ कर सकता है, मैंने कितनी बार बोला है न्यू एनजीओ कर सकता है, कोई फाउंडेशन नहीं है, 2-3 चीजें हैं शर्तें, बस मैंने कहा है वो चीज आपकी पूरी हो। जब आप जाएंगे एनजीओ दर्पण पे आपका रजिस्ट्रेशन होना कंपलसरी है, और आपके पास पेपर्स डॉक्यूमेंट्स हो, प्लस आपका लिंक हो, लिंक होगा तो देखिए आप जब जाएंगे ना तो वहां पे सारे दिशा निर्देश और वो सब लिखे होते हैं, आप उनको थोड़ा सा पढ़िए। हाँ, तो वो, हाँ वो आप पढ़ेंगे नहीं, उसमें कोई जरूरी नहीं कि देखिए। और फिर मैं एक चीज और बोलता हूँ कि आप कोई डायरेक्ट आपको नहीं मिल रहा है तो आप मेरे पास आइए, मेरे पास 15,000 के ऊपर संस्थाएं हैं मेरे साथ, तो 15,000 संस्थाएं थोड़ी नहीं होती हैं, 15,000 का मतलब है बहुत ज्यादा। तो जो लोग वर्क करते हैं दुनिया में बहुत अच्छे लोग हैं, जो हेल्पफुल हैं, जो हेल्प करना चाहते हैं, तो आपको जोड़ के, ज्वाइंट, जिसको हम एक वर्ड बोलते हैं, जिसको बोलते हैं कोलैबोरेशन, कोलैबोरेट, तो दूसरों के साथ कोलैबोरेट होइए। अभी आप नए हैं, आपको कुछ आता नहीं है, आपको कुछ सीखना है, तो आप फ्री में काम कीजिए। अच्छा जो पुरानी संस्था है उसको क्या चाहिए, उसको उसको क्या चाहिए, उसको चाहिए काम, उसको बैठे बैठे काम मिलेगा,
आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए एक्सपीरियंस, आप सीखेंगे, आप दूसरी संस्था से जुड़िए, आप करना तो चाहते नहीं, बुरा मत मानिएगा, डोंट टेक पर्सनली, आप किसी चीज को पर्सनल मत लीजिए, मैं जो बात कह रहा हूँ वो सबके लिए है, और मैं अपने लिए कहता हूँ यहाँ पे जो भी चीजें हैं, और मैं आप अगर कह रहा हूं तो आपका मतलब आप नहीं है, थर्ड पर्सन है कोई है, उसको समझेंगे। जैसे मैंने मैंने शुरुआत की, अब मुझे काम आता नहीं था तो मैंने काम सीखा, मैंने फ्री में काम किया लोगों का, उनको मैंने काम करके दिया, अब संस्था से आप जुड़ेंगे, कोलैबोरेट कैसे होगा, कोलैबोरेट होगा तभी जब दूसरे का फायदा होगा, आप उनसे कहिए सर हम आपका काम करेंगे, आप हमें पैसे दीजिए मत दीजिए, तो वो कहेंगे अरे वाह ठीक है उन्हें फ्री में काम हो रहा है, तो वो वर्क आपको देंगे, आप वर्क करिए उनका, वो पैसा लेंगे, आपको एक्सपीरियंस हो गया, उनको वो नेक्स्ट टाइम कॉन्टेक्ट बन गए, अधिकारी से मिले गए, इधर उधर आए गए, तो ये सारी चीजें करना होती है। अब ये चीज करना चाहेंगे नहीं, अब बहुत सारे लोगों को मेरी बात बहुत बुरी लगेंगी, वो बोलेंगे ऐसे थोड़ी ना ये नहीं, तो भैया अब इतने सालों से बैठे हैं तो बैठे रहेंगे, तो ये है, मैंने मैंने बहुत फ्री में काम करा, बिल्कुल ना के बराबर काम करा, बिल्कुल जीरो पेमेंट पे काम किया है, पैसे पैसे के पीछे नहीं, काम किस लिए करा जाता है, सीखने के लिए के पैसे के लिए, मैं बराबर कहता हूँ बताइए, काम किया जाता है सीखने के लिए, पैसे के लिए नहीं, पैसे के लिए काम करेंगे तो फिर नहीं कर पाएंगे, है ना, तो ये सारी चीजें हैं। हाँ आप अगर हमसे कोई काम करवाएंगे, हम पैसा नहीं लेते किसी चीज का, हमसे अगर आप काम करवाएंगे तो फिर जो सर्विस आप हमारी लेंगे तो फिर आपको हम हमको क्या जिसको भी हाँ बात कर लीजिएगा, हाँ टाइम बता देंगे आप, टाइम क्या आप देखिए मैंने आपसे कहा है कि आप फोन कर लिया करिए, बार बार वही चीजें रिपीट होती हैं, तो फोन आप कर लिया करिए, हाँ बिजी है, हाँ मैं टाइम दे दूंगा, टाइम मिल जाएगा, टाइम के लिए ये है, हाँ मैं ये कह रहा हूँ कि आप लोग कॉल करा कीजिए, और कॉल करने के लिए जब बिजी हूं तो फोन नहीं हो पाएगा, अब जैसे कल से मीटिंग लगेगी, ट्रेनिंग लगेगी, तो ट्रेनिंग मेरी जितनी देर रहेगी उतनी देर फोन रिसीव नहीं हो पाएगा, फोन स्विच ऑफ भी जा सकता है, तो परेशान नहीं होना, और उसके लिए व्हाट्सअप है ना, मैसेज मैसेज डाला करिए, ये मैं आप लोग उस बराबर कहता हूँ, बड़े लोगों को जितने भी बिजी लोग हैं अधिकारी लोग हैं उन्हें बार बार कॉल मत करिए, कॉल करने में डिस्टर्ब होता है, तो उसको क्या करते हैं मैसेज डालते हैं, मैसेज कौन सा डाला करिए, टेक्स्ट मैसेज डाला करिए, व्हाट्सएप तो सब डालते हैं, हाँ 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 ठीक है हाँ बिल्कुल बिल्कुल जी, कोलैब करेंगे आप तो करेंगे, आपके ऊपर तो भरोसा है मुझे, वजाहत जी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आपका धन्यवाद, आप तो मेरी हिट लिस्ट में टॉप की लिस्ट में, कुछ लोग हैं जिन्हें मैं दिल से लाइक करता हूँ, ऐसा नहीं बाकी लोगों को लाइक नहीं करता हूँ, बाकी लोग वो अदर ना ले कि यार ये इनको लाइक करते हैं हमको क्या डिसलाइक करते हैं, नहीं मैं लाइक सबको करता हूँ, बट कुछ लोग ऐसे होते हैं ना जो आगे बढ़ के आगे आते हैं, टेक इनिशिएटिव ऑलवेज, यू शुड टेक इनिशिएटिव ऑलवेज, यू शुड नॉट वेट फॉर अदर्स, आपको हमेशा आगे बढ़ के काम करना होता है, आपको दूसरों का वेट नहीं करना होता, अगर आप वेट करेंगे तो फिर आप कुछ नहीं कर पाएंगे, है ना, आप वेट करेंगे बैठे रहेंगे इंतजार करेंगे तो कुछ नहीं, जो लोग आगे बढ़ के अपॉर्चुनिटी ग्रैप करते हैं, जो लोग आगे बढ़ के रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, जो लोग हर चीज की खुद जिम्मेदारी लेते हैं कि जो होगा देखा जाएगा, करते हैं डू इट एनी वे, है ना, बहुत सारे लोग बोलते हैं ना डू इट एनी वे, तो जो इस मेंटेलिटी के हैं, जो पॉजिटिव थिंकिंग है, थिंक बिग, जो बड़ी सोच रखते हैं, बड़ी सोच का मतलब ये नहीं कि एकदम बड़ा सारा पैसा, नहीं बड़ा सारा पैसा नहीं, ज्यादा पैसा नहीं, मतलब थिंक बिग का मतलब है दिल जिनका बड़ा हो, बड़ा मतलब मैं समझा नहीं पा रहा हूँ, मेरी बात समझने की कोशिश करिए, एक होता है दिल छोटा सा, मतलब जैसे खाने की बात हम करते हैं अगर तो समझ में आए, जैसे खाना दे रहे हैं ना तो बहुत जरा सा देते हैं दूसरे को खाने के लिए, वो जरा सा नहीं, वो ज्यादा सा दें, मतलब दिल बड़ा, जगह स्पेस हो, मतलब घर में जगह नहीं है लेकिन फिर भी आ जाओ बड़े, हमने देखा कुछ लोग हैं जैसे गरीब हैं वो बाइक पे तीन तीन चार चार लदे हुए जा रहे हैं, हमने कहाँ जा रहे हो, अरे यार उनकी तबीयत खराब है, तो वो मतलब जरूरत नहीं है उनकी लेकिन फिर भी लदे हुए जा रहे हैं, तो उनका दिल बड़ा है, जगह नहीं है फिर भी लादे हुए हैं, परेशान हो रहे हैं लेकिन टेंशन है लेकिन फिर भी वो, ये चीज है ना, चलिए ठीक है, तो आज का समअप कर लें, आज क्या क्या चीजें थी, आज हमने हाँ डीएमटी और ब्रांड डेवलपमेंट पर, हाँ वर्क कर रहे हो आप, ठीक है, देखिए जो भी आप वर्क कर रहे हैं वो मैंने फिर कहा है, फिर सुनिए, आप जो भी वर्क कर रहे हैं, आजकल है डिजिटल दौर, डिजिटल दौर में आपकी प्रेजेंटेशन जबरदस्त होनी चाहिए, प्रेजेंटेशन जबरदस्त का मतलब है दिखना चाहिए, जो दिखता है वो बिकता है, आपका जितने सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स हैं वहां पे सब में आपको प्रेजेंट होना चाहिए, हर सोशल मीडिया पे आप अवेलेबल होना चाहिए, आपकी एक्टिविटीज के बारे में आपका जो कुछ है वो सब ओपन होना चाहिए, आपका बंद नहीं होना चाहिए, जो कोई भी चाहे आपको चेक कर ले, और जब तब चेक करें जब आप नहीं है आपके पीछे, तो ऐसा होना चाहिए आपकी संस्था, मान लीजिए मैं एक क्लिक करूं तो मुझे सब मालूम हो जाए, अच्छा हाँ ये बंदा है, ये एक्टिविटीज है, ये ऐसा, मुझे आपसे पूछना ना पड़े कॉल करके कि सर आप क्या करते हैं,
हाँ ठीक है। हाँ क्यों नहीं क्यों नहीं क्यों नहीं, मैं आप जो भी है, मैं सब सबको जो कोलैबोरेट करना चाहते हैं, जो कोलैबोरेशन चाहते हैं, उनको कोलैबोरेट हो जाएगा, उनका कोलैबोरेशन हो जाएगा। बट फर्स्ट, पर फर्स्ट क्या है, फर्स्ट यू हैव टू पे द प्राइस टुडे। आपको हर चीज की कीमत देना पड़ेगी, ऐसे कोई आपको जोड़ेगा भी नहीं, कोई सिखाएगा भी नहीं, तो आपको कुछ देना होगा, है ना। सक्सेसफुल पीपल क्या होते हैं, गिवर होते हैं, नॉट टेकर। वो देते हैं ज्यादा से ज्यादा चीजें। तो जो कुछ आपके पास है वो आप दें लोगों को, जो कुछ है देने वाली आपके अंदर हो क्वालिटी, तो आप ज्यादा सक्सेस करेंगे। तो लेने के चक्कर में पहले ना रहिए, मैं ये हर चीज बराबर बोलता हूँ। तो आप कोलेबरेट करना चाहते हैं, अच्छी बात है। तो आज हमने माइनॉरिटी पे फोकस करा है, माइनॉरिटी की जो चीजें हैं, बुक्स अगर चाहिए बुक्स मिल जाएंगी, ठीक है। ये नई रोशनी कहाँ गई, हाँ ये हाँ ये नई रोशनी, ठीक है। ये बुक अवेलेबल है, 300 रुपये प्राइस है, ठीक है, मिल जाएगी। और ये बुकलेट ये अवेलेबल है, ठीक है। तो जिनको चाहिए उनको मिल जाएगी, ठीक। तो आज हमने 4-5 स्कीम्स के बारे में बात की है। हाँ, ठीक है ठीक है ठीक है। हाँ जो भी है, देखो आप लोग आपस में, मैंने ये जो प्लेटफॉर्म बना रखा है, ये मैंने कौन सा ग्रुप है इसको मैं बोलता हूँ, ये ग्रुप है मास्टरमाइंड लोगों का ग्रुप। तो आपके साथ में अच्छे अच्छे लोग हैं, आप लोग आपस में भी बात कर लिया करिए कि हमारा सर ये, हमारा ये, हमारा ऐसे, हम आपस में कैसे कंट्रीब्यूट करें, एक दूसरे की लाइफ में कैसे वैल्यू ऐड करें, है ना। तो ठीक है, तो आप ग्रुप में हैं जुड़े हुए, आप लोग आपस में भी बात कर लें, लेकिन ईमानदारी फर्स्ट रखिएगा, ऑनेस्टी रहे, डिसऑनेस्ट नहीं। मुझे जो भी चीज पता चलती है, अगर कुछ भी गड़बड़ सड़बड़, तो बिलीव मानिए मेरे पास लीगल पूरा है, क्योंकि मेरे पास जितने भी लोग जुड़े हैं वो इसी उम्मीद से जुड़े हैं कि उनके साथ कभी गलत नहीं होगा, है ना। ना गलत होने दूंगा, कहीं पे भी किसी का भी कोई पैसा जाता है, कुछ भी जाता है, तो मेरे संज्ञान में अगर है तो मेरी जिम्मेदारी है, लेकिन अगर मेरे संज्ञान में नहीं है तो दिक्कत है, लेकिन मैं वापस करवा देता हूँ फिर भी, लड़ झगड़ के, क्योंकि लीगल एडवाइजर हमारे पास बहुत तगड़े हैं, टीम बहुत तगड़ी है, पुलिस हमारे साथ में है, प्रेस हमारे साथ में है, पब्लिक हमारे साथ में है, P3 हमारे साथ है। P3 ग्रुप में जो लोग ऐड होना चाहते हैं वो जाएंगे, पुलिस पब्लिक प्रेस, ये तीनों हमारे साथ में है, बहुत पावरफुल है। इंटरनेशनल वाले जिन लोग को, हाँ ये किट जिन लोगों को मिल गई है उनका धन्यवाद, जिनको नहीं मिल पाई है, इंटरनेशनल 8 तारीख 9 तारीख कब होता है, 8 दिसंबर 9 दिसंबर को इंटरनेशनल वाला है ये, तो उसमें मीटिंग होती है, बहुत सारी चीजें होती हैं, ये इंटरनेशनल डे है, इसमें जुड़िए और अपनी यूनिटी मजबूत कीजिए। तो ये प्लेटफॉर्म मैं आप लोग को इसीलिए दे रहा हूँ क्योंकि मुझे कभी कोई हेल्प नहीं हुई थी, ये प्लेटफॉर्म एक ऐसा है जहां पे हम एक साथ खड़े हैं, एक साथ हैं तो दम है, ठीक है। आपको कभी कोई मिसगाइड नहीं कर पाएगा, सारी चीजें सीख लेंगे, समझ लेंगे, कैसे करना है, किस तरीके से करना है। बाकी मैं आपके लिए हूं, और मैं पीछे नहीं हूं, मैं आपके आगे हूं, सामने हूं। जो कोई भी वार होगा, जो कुछ है, वो पहले मैं झेलूंगा, आपके ऊपर नहीं आने दूंगा आज कुछ भी, ठीक है। मैं आपके साथ हूं, ठीक ठीक है। इसमें आज की जो बातें थी वो देखिए क्या क्या चीजें हैं, कौन कौन किस चीज चीज में इंटरेस्टेड है, उसको करिए। नेक्स्ट वाली जो मीटिंग होगी उसमें हम वो ले लेंगे, सिडबी वाला, कल सिडबी ले लेते हैं। ठीक है, चलिए ठीक, ओके, धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया, मिलते हैं नेक्स्ट मीटिंग में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें, मेरे मिलेनियर्स और बिलेनियर्स।